এটা ঢেলে না হ্যাঁ এটা ঢেলে দিই हाँ, एक दुखद बस की दुर्घटना हुई है। ये प्राइवेट बस थी, ये बंजार से गाड़ा भूषण से होकर के खावली जा रही थी, और जो सूचना भी मिली प्रशासन की ओर से, उसमें जानकारी मिली कि लगभग 50 के ऊपर इसमें सवारियां थी और 20 लोगों की जान की जान चले गई, ये भी सूचना मिली है। ये बहुत दुख का विषय है, और 25 के लोग लगभग जो है वो घायल हैं। सभी घायलों को जो है वो कुल्लू के लिए रेफर कर दिया गया है, कुल्लू हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। तो अभी एग्जैक्ट फिगर जो है अभी तक आनी बाकी, क्योंकि राहत कार्य वहाँ पर अभी तक चल रहा है। वहाँ से कुल्लू से, और कुल्लू के साथ साथ जो हमारा मंडी का साथ का इलाका लगता है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का बारी चौक का, सारे वहाँ की एम्बुलेंसेज, सारे डॉक्टर्स, सारे को सबको हमने कहा कि उनको एकदम वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, ताकि राहत कार्य जो है जल्दी से जल्दी वहाँ पर किया जा सके, जो घायल हैं उनका इलाज किया जा सके। और ये घटना जो घटित हुई है, मैं सारे उन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर उनके परिवार को, सगे संबंधियों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन की शक्ति दे, जिनके परिवार के सदस्य नहीं रहे, और जो घायल हैं उनके लिए हम प्राथमिकता के साथ जो बेस्ट पॉसिबल उनके ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको तुरंत कुल्लू और कुल्लू के बाद और आगे उनको भेजने की अगर आवश्यकता रहेगी आगे भी भेजेंगे। और सर इसमें हमने जांच की, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की, हमने जिसमें जांच के आदेश दे दिए, और जांच के आदेश के बाद जब रिपोर्ट आई कि उसके बाद ही हम कह सकते कि कारण क्या रहा। के बंजार में आज एक दर्दनाक बस दुर्घटना हुई जिसमें 33 जाने चली गई। मैं शोक संतप्त परिवार जो हैं, भगवान उनको इस सदमे से उभरने की शक्ति प्रदान करें, और जो 37 लोग घायल हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी ही स्वस्थ हों।